आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मूंगफली और मावे के बेहद ही स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बनाना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी भुनी हुई मूंगफली, 200 ग्राम मावा, एक कटोरी बूरा, 2 टेबलस्पून घी, थोड़ा सा इलायची पाउडर, 3 टेबलस्पून नारियल का बुरादा। इसके बाद मूंगफली को हम मिक्सी के जार में हल्का दरदरा पीस लेंगे। हल्का दरदरा पीसने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद हमने जो घी लिया है वो पैन में डाल लेंगे और इसको लो फ्लेम पे हल्का गर्म कर लेंगे। घी हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें मावा डाल लेंगे। मावे को हल्का सा तोड़ के फिर डालें। और इसको लो फ्लेम पे हल्का ब्राउन कलर होने तक लगातार चलाते रहें। हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे पकाना है। ध्यान रखना है ये नीचे पैंदे में ना लगे। लगभग 3 से 4 मिनट पकाने के बाद में इसका हल्का ब्राउन कलर हो गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल लेंगे और नारियल का बुरादा भी डाल लेंगे। इन दोनों को अब हमें अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद ग्राइंड किया हुआ पीनट डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें बूरा मिला लेंगे। बूरा को हमें अच्छे से मिलाना है। बूरा को अच्छे से मिलाने के बाद में हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद में इसके लड्डू बनाएंगे। ये हल्का ठंडा हो गया है और अब हम इसके लड्डू बना लेंगे।
अब ये लड्डू बनके तैयार हैं। ये दिखने में बेहद ही स्वादिष्ट और हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो सर्दियों में इनको ट्राई कर सकते हैं।